Assalamu alaikum viewers, I am Syed Hasnain and you are watching Syed Hasnain YouTube channel and Facebook page. So guys, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने PowerPoint के अंदर पेज सेटअप, थीम्स एंड बैकग्राउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. लास्ट वीडियो में हमने समझा था इंसर्ट के अंदर वीडियो और ऑडियो का कैसे यूज़ होता है. इस वीडियो में समझेंगे डिज़ाइन का कैसे हम यूज़ करते हैं. डिज़ाइन में देखें, हमारे पास पेज सेटअप, थीम्स एंड बैकग्राउंड्स है. ये देख सकते हैं आप थीम्स, मैंने यहाँ पे थीम लगाई हुई है. यहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये थीम है, आप देख सकते हैं ये थीम मैंने कैसे लगाई है और कहाँ से लगाई है, तो आप लोगों को ये भी बता दूंगा. और ये जो हमारे सारे टैब्स आ रहे हैं, 9 टैब्स, ये मैंने इंसर्ट होम में से, न्यू स्लाइड में से ये सारे लिए हुए हैं, ठीक है. 9 के 9 मैंने यहाँ पे इंसर्ट किए हुए हैं. और आप लोग काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाए. सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो. डिज़ाइन में देखें, हमारे पास थीम्स हैं, यहाँ पर थीम्स हैं हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पेज सेटअप है, स्लाइड है. यहाँ पर देखें, हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें पेज सेटअप पे चलते हैं. पेज सेटअप पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ गया, पेज सेटअप सिलेक्ट साइज 4. अब देखें ऑन स्क्रीन शो, अब देखें अभी जो स्क्रीन पे हमारे पास शो हो रहा है वो 4.3 हो रहा है. आप 16.9 करना चाहें ओके करें, ठीक है. सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो देखें इस 16.9 हमारी जो इसकी विड्थ है आप देख सकते हैं बढ़ गई है. हमारे पेज की सेटिंग यही है. पेज आप देखें यहाँ पे 16.10 करना चाहें तो देखें ये और अपसेट होगी खुद ही. अब देखिए जो जिस सेटिंग में आप रखना चाहते हैं, आप यहाँ से बैनर साइज रखना चाहें तो बैनर साइज आप रख सकते हैं, ठीक है. और अगर आप यहाँ से देखें ओवरहेड रखना चाहें तो ओवरहेड रख सकते हैं. जो आपको यहाँ से आप अपने पेज की सेटिंग करनी है आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है. वैसे तो हम ऑन स्क्रीन शो पर ही रहते हैं, 4.3 पे रहेंगे हम, ठीक है. और लैंडस्केप अगर आप करना चाहते हैं, लैंडस्केप देखें यहाँ से लैंडस्केप है, बट हमें यहाँ से भी लैंडस्केप करना पड़ेगा, ठीक है. दोनों लैंडस्केप है. अब हमें क्या करना है, यहाँ से पोर्ट्रेट अगर आप करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट के लिए आपको दोनों जगह से पोर्ट्रेट करना है. तो आप देख सकते हैं हमारी जो थीम है ये पोर्ट्रेट में आ गई. पहले जो थी हमारी ये थी लैंडस्केप में, अब ये पोर्ट्रेट में हो गई है. अब हम यहाँ से इसको लैंडस्केप कर देते हैं, ठीक है. और देन उसके बाद हमारे पास देखें ऑप्शन है यहाँ से. अब देखें यहाँ से आप पोर्ट्रेट कर सकते हैं और लैंडस्केप कर सकते हैं. अब थीम्स हैं, थीम्स देखें, थीम्स हम समझ लेते हैं. थीम्स में देखें हमारे पास बहुत सारी थीम्स हैं. यहाँ पे रिसेंटली मैंने ये यूज़ की थी तो ये मेरे पास शो हो रही है, बट हमारे पास सिंपल बिल्ड हुई भी होती है वो ये थीम होती है. देखें यहाँ पे थीम ये है, देखें इसका कलर भी देखें चेंज हो गया, इसका बैकग्राउंड कलर भी चले गया, डिज़ाइन भी चले गया, देखें सब सिंपल हो गया काम हमारा. अब अगर मैं देखें यहाँ पर मूव करूँगा, देखें यार ये थीम रखना चाहूँगा तो देखें इस तरह हमारे पास शो होगा. ये थीम रखूँगा तो देखें इस तरह हमारे देखें कलर्स भी चेंज हो रहे हैं ना, मेरे टेक्स्ट के फॉन्ट भी चेंज हो रहे हैं. उसके बाद देखें ये देखना चाहूँगा तो देखें कलर इसका चेंज हो गया. देखें यहाँ पर थीम कैसी हो गई, थीम चेंज हो गई हमारी. ये वाली थीम रखना चाहें आप ये भी रख सकते हैं. यहाँ पे कई किस्म के थीम्स हैं जो आपको आपके प्रेजेंटेशन में आपके काम में आए, आप वो थीम यहाँ से सेलेक्ट करके रख सकते हैं. थीम्स यहाँ पर हमारे पास और भी हैं, देख सकते हैं आप खुद भी देख सकते हैं कि आप लोग अपने पावर पॉइंट ओपन करके आप लोग जाके उसमें से थीम सेलेक्ट कर सकते हैं. मैंने जो थीम सेलेक्ट की थी वो मैंने ये थीम सेलेक्ट की थी. अब देखें इसके बाद थीम्स के बाद देखें कलर्स का ऑप्शन है. कलर्स का ऑप्शन से देखें क्या होगा हमारे पास. कलर्स के ऑप्शन में आप देख सकते हैं ऑफिस है हमारे पास. देखें इसकी थीम्स भी अब चेंज होगी, आप देख सकते हैं इसकी डिज़ाइनिंग चेंज होगी. और देखें यहाँ पर और भी थीम्स हैं हमारे पास. अब आप मैं फॉर एग्जाम्पल ये वाली थीम रख लेता हूँ. इसके बाद तो देखें अभी तो हमारा डेटा इधर उधर हो गया, बट अभी हम इसको रहने देते हैं, मसला नहीं है इसका. अब देखें कलर्स में आए हैं आप. कलर्स में आने के बाद देखें इसकी चेंजिंग देखें आप. कलर्स भी चेंज हो रहे हैं, फॉन्ट भी चेंज हो रहे हैं इसके. अब आप देख सकते हैं जो आप यहाँ से आप रखना चाहें कॉम्बिनेशन, जो आपको बनाना है आप बना सकते हैं. बट हम इसकी जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने देते हैं. फॉन्ट्स भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है. फॉन्ट्स भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, सॉरी. उसके बाद हम यहाँ से इफ़ेक्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है. अभी हम थीम अपनी वही ले लेते हैं जो थी ये वाली थीम, ठीक है. इस तरह हम थीम अपनी चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं आप. आपको ऑल दिखा देता हूँ मैं. ये थीम्स ये मैंने यहाँ से ली है, इंसर्ट होम में से इंसर्ट की है सारी. जो हमारे पास ऑप्शन से टाइटल स्लाइड वगैरह कंटेंट वाली सेक्शन, हेडर वाली, टू कंटेंट वाली, सारी पिक्चर विद कैप्शन वाली, कॉन्टेंट विद कैप्शन वाली, सारी मैंने स्लाइड यहाँ पर ऐड की हुई हैं. अब ये थीम्स हो गई. उसके बाद देखें यहाँ पर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ना ये बहुत काम का आता है हमारे. बैकग्राउंड स्टाइल, बैकग्राउंड स्टाइल देखें अभी ये है.
अभी तो ये सिंपल वाले हैं, ठीक है। हम आ जाते हैं फॉर्मेट बैकग्राउंड। फॉर्मेट बैकग्राउंड में जब हम आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़बरदस्त ये हमारे पास एक ऑप्शन है फॉर्मेट बैकग्राउंड के लिए, ठीक है। अभी हम आ जाएंगे यहाँ से टेक्स्चर्स, टेक्स्चर्स वाला है ये हमारे पास। अब ये टेक्स्चर्स आप याला भी रख सकते हैं, ठीक है, जो आपको रखना है आप रख सकते हैं। देखिए ये भी रख सकते हैं आप, ये वाला भी रख सकते हैं। बट अभी हम आ जाते हैं फील्ड में, पिक्चर नहीं लगा रहे हम, पिक्चर नहीं लगा रहे अभी हम, पिक्चर्स और टेक्स्चर्स फील है ना, ये हम आ जाते हैं सॉलिड फील्ड। ये सॉलिड फील्ड्स के लिए आप सिंपल कलर्स लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ग्रेजियंस कलर लगाना तो ग्रेजियंस कलर देखें कहाँ से आ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ से अब अगर कलर आप सेलेक्ट करें यहाँ से, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो देखें इसके तीन ग्रेजियंस बने हुए। अब यहाँ से अगर आप इसको चाहते हैं कि यहाँ से ये कलर लेना चाहें तो यहाँ से भी आप कलर ले सकते हैं। ये बैकग्राउंड कलर से या आप जिस तरह फॉर्मेट बैकग्राउंड करना जिस तरह आप चाहेंगे वो आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखें डायरेक्शन इसकी, देखें इस तरह रखना चाहें आप, जिस तरह भी आप रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर खुद डिपेंड करता है। आप कलर यहाँ से रखना चाहें कलर रख सकते हैं, एक एक का देख जा हो रहा है ये कलर, आप जैसा आपके ऊपर डिपेंड करे आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखें इस तरह भी हम रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, पैटर्न फील है, आप पैटर्न फील भी दे सकते हैं। देखें यहाँ से कलर चेंज कर दें पैटर्न का, देखें इस तरह का हो गया हमारे पास, ये भी हम रख सकते हैं। सो होपफुली ये वीडियो आपको बहुत काम में आने वाली है, क्योंकि आप यहाँ से थीम्स चेंज कर सकते हैं। देखें यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दिया मैंने, देखें सब पे यही थीम लग गई मेरी, कलर्स बैकग्राउंड जो है उसका वो ये हो गया, ठीक है। सो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम की है, इसको लाइक करें, लाजमी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अपकमिंग वीडियोज़ के लिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों का इसको आगे लाजमी शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।